सवितर दुरितानि परासव यदभद्रम तन्नयासव ओम भर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणानिधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मेरे ज्ञान सत्र का तीसरा दिन है। इन तीन दिनों में यहां गुरु सूक्त के प्रथम मंत्र की भावात्मक व्याख्या आप लोगों ने सुनी। यह पुरुष सूक्त व्यक्ति, समाज और विश्व और इसके मूल आधार पुरुषोत्तम परमात्मा सभी का संक्षिप्त किंतु सुव्यवस्थित विश्लेषण करता है और उनकी यथार्थ स्थिति का हमें अवबोधन कराता है, ज्ञान देता है। यदि वेद के इस एक सूक्त का ही अच्छी प्रकार से मनन चिंतन किया जाए तो अभी मनुष्य समाज को अभ्युदय के साथ निःश्रेयस की सिद्धि प्राप्त कराने में पूर्णतया सक्षम है। जो लोग जीवन के उत्थान की अभिलाषा रखते हैं, जो लोग समाज कल्याण की भावना रखते हैं, जो लोग ईश्वर में भक्ति और प्रेम रखते हैं, उन तीनों के लिए यह एक ही सूक्त पर्याप्त है। सर्वप्रथम आदि भौतिक दृष्टि से राष्ट्र पुरुष का रूप व्यक्त कर प्रथम मंत्र में वेद ने ये बात हमें समझाई कि ये राष्ट्र पुरुष स्वयं में कारण नहीं है, ये भी किसी का कार्य है। वैदिक विज्ञान की सबसे बड़ी जो देन है मानव समाज को वो है कार्य कारण संबंध का अवबोधकरण। बहुत प्राचीन सिद्धांत है भारत का। सत्कार्यवाद की यह सीख है कि जो कुछ अनेक है वह कार्य है, कारण नहीं। जहां वैभिन्न है, जहां नानात्व है, जहां अनेकत्व है, अंग्रेजी में जिसे डाइवर्सिटी कहते हैं, प्लूरलिटी कहते हैं, वह कार्य है, वह कारण नहीं है। इसलिए तुम कार्य को समझते हुए उसकी कारण की तरफ आगे बढ़ो। किसी के गुण धर्म स्वभाव को जानना है तो उसके कारण की खोज करो। किसी के स्वरूप को जानना है तो उसके कार्य को देखो। इसलिए कार्य कारण संबंध का बोध ही मनुष्य को
जीवन की पूर्णता की दिशा में आगे बढ़ा पाता है। इस एक ही मंत्र के तीन चरण में तीन बातें समझाई गई है और चौथे चरण में उसके कारण की तरफ संकेत किया गया है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, ये दो चरण हुआ। पहले चरण में बताया गया कि दुनिया में जितने जीव हैं, शरीरधारी हैं, सभी का सर या सर जो है ये पूरे शरीर का उपलक्षण है, अवबोधक है। समस्त प्राणियों का शरीर जो है वो एक पुरुष का अवयव है, अंग है। जैसे हमारे हाथ नाक पांव आंख कान आदि है, जैसे हमारे अंग की व्याख्या तो आप लोग जानते होंगे ना, सबसे सूक्ष्म अंग का अंश जो होता है उसको कोष कहते हैं, सेल। और सेल का जो बंडल होता है उसको टिश्यू कहते हैं, टिश्यू। और टिश्यू का जो बंडल होता है उसको लिंब कहते हैं अंग्रेजी में, और लिंब का जो बंडल होता है उसको अंग कहते हैं। बस ये अलग अलग, फिर उससे बॉडी बनती है। तो ये जो सूक्ष्मतम अंश है शरीर का जिसको सेल कहा जाता है, कोष हमारी भाषा में कहते हैं संस्कृत में सेल, वो जो सेल है, जैसे इस शरीर में अनंत सेल है। आप लोगों ने सुना होगा कि सृष्टि का प्रारंभ जिस प्राणी से होता है वह एक सेल का प्राणी है, उसका नाम है अमीबा, उसको अमीबा कहते हैं। वो एक सेल का प्राणी होता है और धीरे धीरे विकसित होता हुआ ये मनुष्य में जहां पूर्णत्व की अभिव्यक्ति होती है, असंख्य सेलों का एक कोशों का एक यानी रूप बन जाता है। तो एक सेल जो है वो इकाई है इस शरीर की, अंग की। लेकिन सेल अलग रह करके जीवित नहीं रह सकता। सेल में जो जीवन है वो शरीर के संग से है, शरीर से अलग कर दिया जाए तो उस सेल का जीवन नहीं रहेगा, वो सेल तो डेड हो जाएगा एट वंस, समझे। और जो एक सेल का प्राणी अमीबा बना तो सेल किससे बना है, आप कल्पना कीजिए, किसी वैज्ञानिक से पूछिए, वो बताएगा कि वो जो इन्फिनिट एनर्जी है, इन्फिनिट एनर्जी की ही अंशा अभिव्यक्ति है वो एक सेल, यानी समष्टि से वो व्यष्टि का आविर्भाव हुआ है। ये नहीं कि सेलों के समूह से शरीर बन गया, ऐसी बात नहीं है। सेलों के समूह से, यानी कोषों के समूह से शरीर बना, ऐसी बात नहीं है। वो उसी में इतनी क्षमता है जो कि एक से अनेक होता चला जाता है। एकम बीजम बहुधाया करोति, ये वेद का संदेश है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जैसे हमारे शरीर के असंख्य सेल हैं, कोष हैं, इसी रूप से यहां जितने प्राणी हैं ये सब उस राष्ट्र पुरुष के अंग हैं। ये बात समझे, राष्ट्र पुरुष के अंग हैं सब, और वह राष्ट्र पुरुष अनंत सिर वाला है। तो सहस्र शीर्षा पुरुष, ये कौन सा पुरुष है, विराट पुरुष नहीं, राष्ट्र पुरुष। विराट पुरुष के लिए आगे दूसरा शब्द आएगा, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष, सहस्राक्ष माने अनंत आंखों वाला, या अक्ष जो है वो केवल आंख के लिए नहीं है, अक्ष कहते हैं दृष्टि को, और देखने के लिए अपने पास सात साधन है। कितने साधन है, सात, समझ, अपने पास देखने के लिए सात साधन है। इसको कहा गया सहस्राक्ष क्योंकि एक के पास सात हैं, जैसे असंख्य जीव है सबके पास सात सात साधन है, सारे जीवों के बारे में, मनुष्य मात्र के, सारे जीवों के, किसी जीव के पास एक है, किसी के दो है, किसी के तीन है, किसी के चार है, किसी के पांच है, किसी के छह है,
केवल मनुष्य ऐसा है जिसके पास सात साधने देखने के लिए। इसलिए मनुष्य के इस शरीर में एक ऐसा तत्व है जिसको सप्तर्षि कहते हैं। सप्तर्षि माने सात ऋषि, ऋषि माने देखने वाला, ऋषियो दृष्टा। ये सात ऋषि रहते हैं मनुष्य के शरीर में, और इसलिए आपके पास देखने के सात साधन है। कौन कौन से? पहले तो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे आप देखते हैं, और पांचों से देखते हैं आप। देखने के तरीके अलग हैं, इसलिए समस्त इंद्रियों को अक्ष कहकर के संबोधित किया गया है। ज्ञान इंद्रियों का नाम अक्ष है। अक्ष क्यों है? किनसे आप देखते हैं? कोई वस्तु खाने बैठे, देखिए जी ये मीठा है या खट्टा, तो देखिए जी माने क्या? देख तो रहे हैं। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं देखिए, उसको जो मीठा खट्टा देखने वाली इंद्रिय उसके पास ले जाइए, जिह्वा से देखिए। और आपने जब जिह्वा में लगाया, देख लिया मीठा है, देखा भाई कैसा है, बहुत मीठा है, तो देख लिया मीठा है। इसी रूप से देखिए गर्म है या ठंडा, तो आपने जब हाथ से स्पर्श किया तो आपको लगा कि ठंडा है या गर्म है। इसी रूप से यानी देखिए, आप यहां बैठे कोई आवाज दूर से आ रही, जरा शांत हो जाओ, देखो कौन बोल रहा है, कहां से आवाज आ रही है, तो तुरंत आपने कान लगा दिया, अटेंशन पे किया वहां, और सुने हाँ हाँ अमुक व्यक्ति की आवाज आ रही है। यानी कहने का प्राय कि जितनी इंद्रियां हैं आपकी, ज्ञान इंद्रियां पांच, नाक देखता है गंध को, ये कान देखता है शब्द को, ये आंखें देखती है रूप को, जीवा देखती है रस को, और त्वचा आपकी देखती है शीत और उष्ण को। ये सब देखते हैं, देखने का काम सभी करते हैं, लेकिन इनके देखने का तरीका अलग अलग है। वेद सबके लिए अक्ष शब्द का प्रयोग करता है, अक्ष। और ये क्योंकि दृष्टा है इसलिए इनको ऋषि भी कहा जाता है। तो पांच तो ये ऋषि हैं, और एक मन देखता है, एक बुद्धि देखती है। मन और बुद्धि दो ऋषि ये हैं, मन भी देखने काम करता है। ये पांचों ज्ञान इंद्रियां आपकी निरर्थक हो जाए यदि इनके साथ मन न हो, और मन भी निरर्थक हो जाए यदि उसके साथ बुद्धि न हो। तो आपके पास देखने के सात साधन हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सात, और इन्हीं सातों को सप्तऋषि कहा जाता है। बस आपके शरीर में सप्तऋषियों का निवास है, ऐसा वेद कहता है। और ये सात दृष्टा है, देखने वाले हैं, और इन देखने वालों को जहां से शक्ति मिलती है देखने की, वो एक अलग है, वो एक अलग है, सबका दृष्टा, सबका दर्शक। उसके लिए इसी वेद मंत्र में पशु शब्द का प्रयोग किया गया है आगे आकर के, क्योंकि सबका दृष्टा वो है, उसी की शक्ति से देखने की शक्ति प्राप्त करते हैं। तो अब वेद ने कहा कि अनंत शरीर राष्ट्र पुरुष का है, और अनंत अक्ष माने ये सातों प्रकार की ज्ञान इंद्रियां आपकी, और सहस्रपाद, सहस्रपाद माने अनंत चरण, ये चरण जो है, पांव जो है, ये कर्म इंद्री के अवबोधक है। जैसे अक्ष जो है वो ज्ञान इंद्री का अवबोधक है, ऐसे ही पांव जो है ये कर्म इंद्री के अवबोधक है। इंद्रियां आपके पास तीन प्रकार की है, तीन प्रकार, उसमें से बाह्य पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, और अंतर दो, वो दोनों ज्ञान इंद्रियां हैं, लेकिन उनको अंतर इंद्री कहा जाता है, जिसको मन और बुद्धि कहते हैं। हमारे यहां वेद में ये बात समझाई गई कि मनुष्य के जीवन के निचले स्तर से लेकर के उसके सूक्ष्मतम स्वरूप तक चार स्तरों में उस पुरुष का, उस परमेश्वर का, उस पश्यक का, दृष्टा का आविर्भाव होता है। तो सबसे निचले स्तर पर जहां आपकी इंद्रियां और शरीर, ये मटेरियल, ऐसे आप समझ लें मटेरियल वर्ल्ड जो है उसको कहते हैं भूत आत्मा। याद कर लो, क्या कहेंगे उसे?
भूत आत्मा, भूत माने हुआ, अभिव्यक्त हुआ, मैनिफेस्टेड अंग्रेजी में, प्रकट हुआ, ये बात समझे। भू धातु जो है वो सत्ता के अर्थ में है, अभिव्यक्ति के अर्थ में है, भवति जो हुआ है, जो दिखाई दे रहा है, उससे संबंधित जो है चेतन, उसकी संज्ञा है भूत आत्मा। अब भूत आत्मा से ऊपर है जिसको कहते हैं प्रज्ञान आत्मा, प्रज्ञान आत्मा। भूत आत्मा आपके शरीर और इंद्रियां, यहां जो चेतन है इस स्तर पर, उसका नाम प्रज्ञान भूत आत्मा। और इससे ऊपर इनके पीछे जो इनको शक्ति देने वाला है उसको कहते हैं प्रज्ञान आत्मा। यदि प्रज्ञान आत्मा मन न हो तो ये आपकी ज्ञान इंद्रियां कुछ नहीं देख सकती। आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी बहुत बड़ी घटना हो जाती है और व्यक्ति अपने किसी विचार में मग्न रहता है, उसके बगल में हो जाती है, उसको पता नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। हमारे यहां एक संत हुए हैं, चेता नाम था, जाति के वो चर्मकार थे, चेता जमा, बड़ी प्रसिद्ध है उनकी कहानियां, उनकी जीवनी। तो वो जूता बनाते थे और राजा की बरात बगल से चली गई। राजा की बरात में कितनी लाओ लश्कर, कितने बाजे बजे होंगे, लेकिन उनको पता नहीं चला। वो अपनी जूता बनाने में इतने मग्न थे, अपने काम में इतने मग्न थे कि उनको पता ही नहीं चला और राजा की बरात गुजर गई। और जब किसी ने उनसे पूछा कि चेता, उन्होंने देखा क्या बात है, अरे कहा देखा महाराजा साहब की बरात गई कितनी सुंदर थी। कहने लगा यार मेरे पास नहीं फुर्सत का है, मेरे पास फुर्सत नहीं, मैं तो अपने राम जी के लिए जूते गाट रहा था। इतनी तन्मयता थी, क्योंकि यदि मन आंख के साथ लग जाए तब आंख देखेगी, मन कान के साथ लगे तब कान सुनेगा, मन यदि नाक के साथ लगे तब नाक सुनेगी, मन यदि जीवा के साथ लगे तब वो टेस्ट लेगी। यदि मन इंद्रियों के साथ नहीं होगा तो ये इंद्रियां कोई काम नहीं कर सकती। इसलिए मन को कहते हैं प्रज्ञान आत्मा, समझे। लेकिन मन से भी ऊपर एक है, मन सस्तु परा बुद्धि, उस बुद्धि का नाम है वेद में विज्ञान आत्मा। भूतात्मा, प्रज्ञान आत्मा, विज्ञान आत्मा, बुद्धि को कहते हैं विज्ञान आत्मा। अब विज्ञान आत्मा से परे है एक जो बुद्धि का भी प्रकाशक है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मान महात्मना, गीता भगवान कहते हैं। जो बुद्धि से परे है उसको जान पहले तो। तो बुद्धि से परे जो है उसका क्या नाम है, उसका नाम है प्रशांत आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पूरी मीमांसा की गई है। अब जो प्रशांत आत्मा है क्या वही सब कुछ है, बोले नहीं नहीं वो सब कुछ नहीं है, वो सब कुछ नहीं है, प्रशांत आत्मा से भी परे है एक। आगे प्रसंग आएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसमें एक और मंत्र आएगा, इसमें सप्त समझता उसकी व्याख्या करते हुए आगे अधिक विश्लेषण किया जाएगा। अभी तो केवल मैं आपको संक्षेप में परिचय दे रहा हूं। प्रशांत आत्मा से परे एक और है, ये प्रशांत आत्मा, विज्ञान आत्मा, प्रज्ञान आत्मा और भूत आत्मा, ये तो आपके साथ साथ है जहां आप है, लेकिन इसमें जो प्रशांत आत्मा है वह स्वयं में कारण नहीं है, उसका भी एक कोई कारण है, उसका भी एक कोई कारण है, और उसका जो कारण है उसको हमारे यहां परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। तो परमात्मा, प्रशांत आत्मा, विज्ञान आत्मा, प्रज्ञान आत्मा, फिर भूत आत्मा, इसको पांच प्रकार से, यानी एक की चार प्रकार से अभिव्यक्तियां, ऐसे आप समझ लीजिए। और इसी की मीमांसा तैतृय उपनिषद में अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, और आनंदमय कोष को जब अतिक्रमण कर जाता है आगे चल करके,
स आनंदमय कोशम उत्क्रामंती, आनंदमय कोष को भी वह अतिक्रमण कर जाता है, पार कर जाता है, फिर वो ब्रह्म भूत्वा ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर के ब्रह्म हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि वेद आपको ये समझाता है कि आपके जो भाव हैं ये कर्म इंद्री का अवबोधन कराते हैं, आपकी आंख ज्ञान इंद्री का अवबोधन कराती है। दुनिया में जितने कर्म इंद्री वाले हैं, दुनिया में जितने ज्ञान इंद्री वाले हैं और दुनिया में जितने शरीरधारी हैं, ये सब के सब एक राष्ट्र पुरुष के अवयव मात्र है। इसलिए सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। अब इसमें शरीर, शरीर का आधार ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, इनकी बात कह दी, लेकिन ये सब है कहां पर, किसके हैं, का ऐसा एक पुरुष है जिसके अनंत सर, अनंत ज्ञान इंद्रियां, अनंत कर्म इंद्रियां हैं। कहा वो रहता कहां है पुरुष, का स भूमिम सर्वतो वृत्वा, वह इस भूमि पर, भूमि भूमि पर सर्वत्र व्याप्त होकर के, सारी पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त है। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने इसका अर्थ किया कि सभी शरीरधारियों की व्याख्या है, केवल मनुष्य की नहीं, क्योंकि पृथ्वी के सर्वत्र मनुष्य तो नहीं भरा हुआ है। और जिस समय वेद का आविर्भाव हुआ था उस समय तो मेरे विश्वास से सर्वत्र मनुष्य नहीं रहा होगा, मनुष्य की बहुत कम संख्या रही होगी, क्योंकि ये तो सृष्टि के आदमी, वैदिक ऋषियों का आविर्भाव हुआ है उस समय का, तो जो भारत इस समय का भारत है यही भारत नहीं था उस समय पूरा। इसलिए यहां पर ऋषि कहता है कि वह सब भूमि सर्वतो पृथ्वी, वह संपूर्ण भूमि को सर्वत्र से व्याप्त होकर के, सारे भूमि पर व्याप्त है समस्त शरीरधारियों का, क्योंकि परमात्मा के अंग में अथवा राष्ट्र पुरुष के अंग में, जैसे कल मैंने बताया था, कोई ऐसा इस पृथ्वी पर प्राणी नहीं है जो निरर्थक हो, जिसका कोई उपयोग न हो, और समस्त प्राणियों की आत्मा ही राष्ट्र पुरुष की आत्मा होती है। इसलिए आजकल के अब वैज्ञानिक और विद्वान ये विचार करने लगे हैं कि सभी जीवों का रक्षण होना चाहिए, सभी जीवों का रक्षण होना चाहिए, नहीं तो ये बराइटियां समाप्त हो जाएंगी और सृष्टि का एक अमूल्य रत्न लुप्त हो जाएगा। क्यों, कारण क्या, कि सृष्टि में जो कुछ है सभी उपयोगी, कोई निरर्थक नहीं है। इसलिए वेद कहता है स भूमिम सर्वतो वृत्वा, वह परमेश्वर, वह पुरुष इस पृथ्वी को सब तरफ से व्याप्त होकर के, तत्र दशांगुलम तत्र अतियेति दशांगुलम तिष्ठति, वह समस्त भूमि को सब ओर से व्याप्त करके, व्याप्त करके इसका अतिक्रमण करते हुए, अतिक्रमण करे माने अतियेत, अतियेति माने इससे आगे जाकर, इससे परे जाकर, तत्र दशांगुलम तिष्ठति, वह इससे दस अंगुल ऊपर जाकर के वहां प्रतिष्ठित है। दस अंगुल ऊपर जाकर प्रतिष्ठित है, इसका क्या मतलब, कहा कि तुम्हारी ये कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां जहां तक जाती हैं वो तो भूमि है, क्या समझे, यहां पर भूमि शब्द का विवेचन विशेष रूप से प्रकृति के अर्थ में अथवा स्थूल जगत के अर्थ में किया गया है, और इसी को तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में एक जगह बड़े ही सुंदर शब्दों में संकेत किया है, गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जाने भाई, तुम्हारी इंद्रियां और इन इंद्रियों का विषय और इनके पीछे भोगता मन प्रज्ञान आत्मा, ये जहां तक जाता है, जहां तक इसकी गति है, वहां तक क्या है, माया,
इसको माया कहते हैं। माया माने प्रकृति का कार्य, प्रकृति का नाम भी माया है लेकिन उपलक्षण से। वैसे माया शब्द का अर्थ होता है प्रकृति का कार्य, बस में माया शब्द का अर्थ होता है विचित्र निर्मिति, कला, अभिव्यक्ति। माया शब्द के अनेक अर्थ, अमूर्त से मूर्त होना ये माया है। तो अनेक अर्थ होते हैं माया के निघंटू में, और उस माया की व्याख्या करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि जहां तक तुम्हारी इंद्रियां जाती हैं और जहां तक तुम्हारा मन जाता है वो सब माया है, माया का क्षेत्र है। और जहां माया है मायापति हमेशा उससे आगे रहता है, हमेशा उससे आगे रहता है। इसलिए दशांगुलम क्यों कहा भाई, इसलिए कि तुम्हारे पास जानने के साधन ही दस हैं, पांच ग्रहण करने के और पांच जानने के मूल रूप में जैसे बताया, और इनके द्विज भेद है। यदि ज्ञान इंद्रियों के कर दो तो भी आपके दस ही होते हैं। तो आपके जो ये दस साधन है यही, इन्हीं को अंगल कहा गया है, अंगुल कहा गया है, अंगुल। वह अंगुल माने ये अंगुल नहीं, दस अंगुल जैसे आप नाप लो ऐसा नहीं, अंगुल। और अंगुल शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने कहा है कि जो यानी अंकित करे जिससे आपको बोध हो, जो किसी अव्यक्त को इंगित करता है, जो किसी अव्यक्त का अवबोधन कराता है उसको अंगुल कहते हैं। अपने यहां भी यानी बोल चाल की भाषा में हम कहते हैं आप किस अंगल से इसको देख रहे हो, अंगल जान लो, यानी किस अंगल से माने किस दृष्टि से देख रहे हो। तो एक प्रकार की वो दृष्टि है, और दृष्टि के ये जो मैं अभी बताया आपको ये दस भेद हैं। इसलिए यहां पर अतिष्ठत वह इसको पार करके इससे परे जहां तक दस अंगल की पहुंच है, जहां तक आपकी ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां जाती हैं, इन इंद्रियों से परे वो तिष्ठत माने स्थित रहता है। ये सबको व्याप्त करके जो कुछ भी सृष्टि में है सबको व्याप्त करके इनसे परे दस अंगुल पर जो स्थित है। एक आचार्य ने इसका एक और अर्थ किया, उन्होंने कहा कि ये जो भुवनस्य नाभि, ये जो ये जहां पर हम हैं ये भुवन की नाभि है, और नाभि से लेकर के दस अंगुल पर हृदय होता है, नाभि से सबका हृदय, किसी का भी देख लो, नाभि से दस अंगुल के ऊपर हृदय होता है, क्योंकि परमात्मा ये बताया गया कि वेद में कि वो सबके हृदय में निवास करता है। इसलिए अतिष्ठति व अतिएक तिष्ठ दस अंगुलम, वह दस अंगुल से ऊपर जाकर के हृदय में निवास कर रहा, सबको व्याप्त करके और सबसे परे उठ करके हृदय में निवास कर रहा है। लेकिन ये अर्थ हमें जचता नहीं, क्योंकि परमात्मा यहां पर सारे सृष्टि को व्याप्त करके सृष्टि से परे, यानी जहां तक हमारे ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों की पहुंच है उससे परे जाकर के वह प्रतिष्ठित है। और यही बात ईशो परिषद में भी बताई गई है कि वह नैन देवा आत्मवत, देवता लोग उसे प्राप्त नहीं कर सके, पा नहीं सके। क्यों नहीं पा सके, इसलिए कि वह उनसे आगे प्रतिष्ठित था। वेद में देवता किसे कहा गया है जानते हैं, इंद्रियों को। दिव्य प्रकाश में धातु से देवता शब्द बनता है, और सारा का सारा प्रकाश ज्ञान आपको इंद्रियों के द्वारा होता है, इसलिए इंद्रियों को वेद में देवता कहा गया है। आपके शरीर में जो इंद्रियां हैं वो इस शरीर की देवता है, और इंद्रियों का जो कारण है वह इस अंतरिक्ष के देवता है। जैसे सूर्य अंतरिक्ष का देवता है, और ये नेत्र आपके शरीर का देवता है। विराट पुरुष के अंग को देवता कहते हैं, और वही देवता वेद में आया है, बहुत सुंदर मंत्र है यजुर्वेद में और अथर्ववेद में भी ये समझाया गया है कि ये दस देवता जो हैं अपनी संतानों को
ला करके पुरुष के शरीर में प्रतिष्ठित कर दिए। तो प्रश्न आया कि जब पुत्र आकर के दसों यहां बैठ गए तो पिता कहां गए, ये प्रश्न आया। तो वेद कहता है कि पिता तो अपने उसी कारण में ही रह गया, बस दस देवताओं ने दस पुत्र पैदा किए और दस देवताओं ने दस पुत्र पैदा करके मनुष्य के शरीर में उनको रहने का स्थान दे दिया और फिर वो पिता जो थे वो अपने अपने स्थान पर ही निश्चित रह गए। जिसे सूर्य ने, सूर्य देवता ने नेत्र को जन्म दिया, नेत्र को मनुष्य के शरीर में प्रतिष्ठित कर दिया, लेकिन सूर्य अपनी जगह पर ही बैठा रहा, वो आकर मनुष्य के शरीर में नहीं बैठ गया, सूर्य का पुत्र शरीर में बैठा। इसी रूप से यहां दस देवता हैं, इन दसों देवताओं ने दस इंद्रियों के रूप में अपने दस पुत्र पैदा किए और इस शरीर में प्रतिष्ठित कर दिए और आप अपने विराट रूप में प्रतिष्ठित रहे महादेव के शरीर। महादेव माने विराट पुरुष, जिसको विश्व ही कहते हैं। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि इन दसों इंद्रियों को देवता कहा गया है, ये देवता है। और इन देवताओं को, क्योंकि ये देखते हैं, प्रकाशित करते हैं, इन देवताओं की ये नगरी होने से ये शरीर की महत्ता है। और यहां पर वेद कहता है कि वह इन समस्त देवताओं की पहुंच जहां तक है उससे आगे आकर के बैठा रहता है। ये इंद्रियां शरीर में तो है लेकिन ये इंद्रियां आत्मा को नहीं देख सकती, क्या समझे, ये देवता की पहुंच आत्मा तक नहीं है। आपकी दस इंद्रियां बाहर की वस्तु तो देख सकते हैं लेकिन अपनी आत्मा को नहीं देख सकती। आंख सारी दुनिया को देख ले लेकिन आत्मा को नहीं देख सकती, देखने वाले को नहीं देख सकती। एकांत सारी दुनिया की आवाज सुन ले लेकिन आत्मा की आवाज नहीं सुन पाता। इसी रूप से जितने इंद्रियां हैं आपके पास ये आपकी आत्मा को नहीं पकड़ पाती। नहीं देवा अपन उस परमात्मा को, उस आत्मा को ये देवता नहीं छू सकते, नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा वेद की घोषणा है। तो इनसे परे निश्चित है। इस बात को इस मंत्र में कहा गया तत्तिष्ठत दशांगुलम्, तत्तिष्ठत दशांगुलम्, इन दसों देवताओं से ऊपर, दस अंगल से ऊपर जाकर के वो प्रतिष्ठित है। अब यहां निर्देश मिल गया एक ऐसे पुरुष का जो कि सब में व्याप्त भी है और इनसे परे रहता है। अब उस परे रहने वाले पुरुष को क्या कहा जाए, अब प्रश्न उठता है कि जो परे रहता है, ये तो पुरुष राष्ट्र पुरुष की व्याख्या हो गई और निर्देश कर दिया मंत्र ने कि इससे परे, इन दसों देवताओं से, दस अंगुल से परे वो जाकर के प्रतिष्ठित है, कहा वो कौन है। फिर अगला मंत्र, दूसरा मंत्र देखिए, तुरंत वेद बताता है, उसका निर्देश करता है, पुरुष एव दग्गम सर्वम यद्भूतम यच्च भावम्मा, कहा कि जो कुछ है उसको वर्तमान कहते हैं और जो अब नहीं है वो भूत हो गया और जो होने वाला है वो भविष्य है। लेकिन जो भूत हो गया, जो वर्तमान है और जो भविष्य होने वाला है, ये सब जिससे अवस्थित है, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों जिसके द्वारा अभिव्यक्त होते हैं, इन जिसकी सत्ता से इन तीनों की सत्ता है, वेद कहता है कि वह पुरुष है। पुरुष एव इदम सर्वम, इदम यहां पर एक बात खास जोर देकर के मैं कहने जा रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान दें। वेद ने यह नहीं बताया कि ये जगत जो है ये मिथ्या है, वेद ने यह नहीं कहा कि ये जगत जो है भ्रांति है, वेद ने यह नहीं कहा कि ये जगत जो है वो स्वप्निवत है। उसने कहा कि नहीं, पुरुष एव इदम सर्वम, इदम माने यह सब कुछ जो दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ पुरुष है। वह पुरुष पुरुषेत पुरुष, जो पहले हो गए हैं वो भी पुरुष है। यद भूतम यच्च भाव्यम, जो पहले हो गए वो भी पुरुष है और जो आगे होंगे वो भी वही पुरुष है और जो वर्तमान में है वो अपने आप वो पुरुष है।
इदम तो कह रहा है इदम सर्व पुरुष यद भूतम यज भाव्यम, जो हो गए हैं जो होने वाले हैं सब पुरुष है, वही पुरुष जो इस सारे विश्व से ऊपर प्रतिष्ठित है, वही भूतकाल में, वही भविष्य काल में, वही वर्तमान काल में अवस्थित है, उसके सिवा किसी की सत्ता नहीं है। ये बात याद रखो, यहां पर सत्य को, यहां पर दृश्य को मिथ्या तो वेद ने नहीं माना, लेकिन इसकी अलग सत्ता भी स्वीकार नहीं की। ये दृश्य जगत मिथ्या नहीं है, भ्रम नहीं है, यह दृश्य जगत धोखा नहीं है, यह दृश्य स्वप्न नहीं है, लेकिन इस दृश्य जगत का अलग अपना अस्तित्व भी नहीं है। अलग अस्तित्व नहीं माने पुरुष एव इदम सर्वम, इसकी सत्ता किससे है? उस परमेश्वर, परमेश्वर की सत्ता से सत्तावान है। यदि परमेश्वर न हो तो इसकी सत्ता नहीं होगी, यदि परमेश्वर न होता तो यह विश्व न होता। इसीलिए आचार्यों ने कहा जगदेव हरि हरिदेव जगत जगतो हरितो नहीं भिन्न तनु इतिहास्य मति परमार्थ गति चंद्रो भव सागर उत्तरती। जिसकी ऐसी दृष्टि हो गई है कि यह जगत परमेश्वर का स्वरूप है, और जिसने ये जान लिया है कि परमेश्वर ही जगत रूप में प्रकट हुआ है, वह परमार्थ तत्व का ज्ञाता हो गया, और उसी की परमार्थ गति होती है, वही पुरुष संसार सागर से पार हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि वेद ये घोषणा करता है कि जो पहले था अब है जो आगे होगा, यह सब उस पुरुष की, पुरुष का ही विलास है, पुरुष की ही अभिव्यक्ति है, पुरुष की ही सत्ता से है, उससे अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं है। जो सर्वरूप में व्याप्त होकर के सारे शरीरों के रूप में प्रकट हुआ है वो भी वही पुरुष है, समस्त देवताओं के रूप में जो प्रकट हुआ है वो भी वही पुरुष है, और जो पहले हुआ था वो भी वही पुरुष है, जो आगे होगा वह भी वही पुरुष है, उस पुरुष के सिवा और कुछ नहीं है। और वो पुरुष इतना ही नहीं है, इससे परे भी है, जहां तक तुम्हारा मन जाता है वहां तक, जहां तक तुम्हारी इंद्रियां जाती है वहां तक, उससे परे जो है वो भी पुरुष है। इसलिए तथिष्ठ दशांगुलम, और उसके बाद में पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यज्ञ भाव्यम उदामृतत्व से सानो यदन्ने नातिरोहती। यहां पर कहा कि भाई एक प्रश्न हुआ, ये जगत जो है ये तो मर्त है, मर्त है, रातों दिन हम देख रहे हैं, अपने सामने कितने आदमी मर गए सोचो पहले, और कितने मर रहे हैं, कितने और मरेंगे कुछ पता है? यदि समस्त जीवों की मृत्यु की लेखा जोखा लगाया जाए तो कोई गिन सकता है कितने जीव मरे होंगे? ना ना, कोई नहीं गिन सकता, असंख्य जीव मर रहे हैं, और इस जगत का नाम है मर्तलोक। अच्छा, वेद में जगह जगह पर मनुष्य के लिए मर्त शब्द का प्रयोग किया गया है, मर्त, मनुष्य को मर्त कह करके ही पुकारा गया है, क्योंकि यह मरण धर्म है। कहा कि आप एक तरफ तो कह रहे हो कि ये सारा विश्व जो है ये सब पुरुष है, और विश्व मरण धर्म है, मरता है, हम रोज देखते हैं मरते हैं उसे, जब ये सब कुछ पुरुष है और सब कुछ मरने वाला है तो क्या वह पुरुष भी मरण धर्म है क्या? यह प्रश्न होता है, और इस प्रश्न का उत्तर इस मंत्र के दूसरे चरण में, तीसरे चरण में दिया जाता है। पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यज्ञ भाव्यम स, कहा कि नहीं वो मरण धर्म नहीं है, फिर क्या है? वह अमृत धर्म है। कहा कि जो मरण धर्म हम देख रहे हैं ये झूठ है क्या? कहता है कि झूठ है, लेकिन झूठ भी नहीं है, सत्य भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि देखते हैं वो झूठ भी नहीं है और सत्य भी नहीं है, मरते हुए लोगों को देखते हैं कहते हैं झूठ नहीं है, और जब कहते हैं झूठ नहीं है तो सत्य है कहते हैं नहीं सत्य भी नहीं है, कैसे माना जाए? फिर क्या है?
आचार्य शंकर ने इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय माने जिसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, न झूठ कहा जाए न सत्य कहा जाए। तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपका क्या सिद्धांत है, तुलसीदास जी कि इसको झूठ कहें या सत्य कहें। तुलसीदास जी ने कहा भाई मेरे से यदि पूछते हो तो कहते हैं को कह सत्य झूठ कह को उभय प्रबल को माने। कोई कहता है ये सत्य है, कोई कहता है ये झूठ है, कोई कहता है नहीं ये सत्य भी है झूठ भी है। तुलसीदास जी से पूछा गया आपकी क्या राय है, उन्होंने कहा मेरे विचार से ये तीनों भ्रम है, तीनों भ्रम है। तुलसीदास परिहरई तीन भ्रम जो आपन पहचाने। वो कहते हैं जो अपने आप को पहचान जाता है उसके लिए ये तीनों भ्रम होते हैं और इनसे मुक्त हो जाता है। इसको सत्य कहना भी भ्रम है, झूठ कहना भी भ्रम है, सत्य झूठ कहना भी भ्रम है, ये तीनों भ्रम है। तो यथार्थ क्या है, कहा यथार्थ कहा नहीं जाता जाना जाता है। क्या समझे, तुलसीदास जी कहते हैं यथार्थ कहा नहीं जाता। तुलसीदास परिहरई तीन भ्रम जो आपन पहचाने, जो अपने आप को पहचान है वो इन तीनों भ्रमों से मुक्त हो जाता है। आप एकांत में बैठिए, एकांत में बैठ करके और अपने आप का अनुसंधान कीजिए, फिर आप देखिए कि सत्य है या झूठ है या सत्य झूठ दोनों है। इसका बड़ा सुंदर सा तरीका गोस्वामी जी ने निर्देश किया है। केशव उनका पद है पूरा, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए। रामायण में इसके लिए कहा सुनऊ तात यह अगथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ये समझने में तो आता है लेकिन कहने में नहीं आता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशी, सो माया बस भयउ गोसाई, बध्यौ कीर मरकट की नाई। एक जगह और आगे उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है, पर बस जीव सुब भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। उनसे पूछा गया ये सत्य है क्या, उन्होंने कहा नहीं। मुधा भेद जद विकृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। ये भेद बुधा है, बुधा माने व्यर्थ का है, मिथ्या है, लेकिन बिना जाने जाता नहीं। तुलसीदास यह चित विलास जग सूझत सूझत सूझे, वो कहते हैं एकाएक समझ में नहीं आता, ये तो धीरे धीरे ही समझ में आता है। और इसी बात को भगवान ने गीता में भी कहा है, बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एक बार एकाएक एक जन्म में सारी बात समझ में नहीं आती, अनेक जन्म बीत जाते हैं, धीरे धीरे विकास करता हुआ आप इस मनुष्य शरीर में आए, क्या एकाएक चले आए क्या, क्या रहा है आपकी। एक सेल के प्राणी अमीबा से विकसित होते हुए कितने जन्म लगे होंगे इस मनुष्य शरीर में आने में, पता है कुछ। हमारे महापुरुषों ने तो कह दिया कि 84 लाख योनियां यानी बदली है, अब कौन गिनता है 84 लाख ही बदली है कि एक एक योनि में कई कई लाख बार रहे हो, कौन जानता है कुछ पता है 84 लाख ही बदली हो, अरे कोई नियम तो नहीं ना, एक योनि में कई बार भी आ सकते हैं। कितने जन्मों में, हम एक ग्रंथ में पढ़ रहे थे उसमें बात बताई गई, कई जन्मों के पश्चात तब मनुष्य में जाकर के मनुष्यता का जन्म होता है, कई जन्मों के पश्चात मूढ़ आत्मा से वह मनुष्य मूढ़ आत्मा से क्षिप्त आत्मा होता है। कई जन्म लग जाते हैं क्षिप्त आत्मा से विक्षिप्त आत्मा होने में, कई जन्म लग जाते हैं विक्षिप्त आत्मा से एकाग्र आत्मा होने में, और कई जन्म लग जाते हैं एकाग्र से निरुद्ध आत्मा होने की अवस्था को प्राप्त होने में, कई जन्म लग जाते हैं। एक जन्म में ऐसी बातें पूरी नहीं हो जाती, जहां से विकसित करते हुए आप आए हैं, जिस अवस्था में आप पहुंचे हैं, ये आप ये ना समझ लें कि एक जन्म की बात है, अनंत जन्मों के संस्कार
आप में नहीं थी। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसीदास ये चित्त विलास जग, उन्होंने कहा मेरे विचार से जगत में चित्त विलास है और कुछ नहीं है। चित्त विलास माने परमात्मा का विलास, परमात्मा की क्रीड़ा, तुलसीदास जी इसी सिद्धांत को मानते हैं। यह जगत जो है चित्त विलास है, लेकिन एकाएक समझ में नहीं आता, ये तो बूझत बूझत बूझे, ये जीवात्मा इसको समझते समझते ही समझ पाएगी एक दिन। और जब समझ पाएगी तो गीता भगवान ने बताया कि वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ, जिसके बाद समझ में आ जाएगी कि यह सब कुछ वासुदेव ही है, यह सब कुछ वही पुरुष ही है, वो ऐसा महात्मा तो इस पृथ्वी पर दुर्लभ है, सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। इसलिए अभ्यास करो, अभ्यास से हो सकता है कि सफर जल्दी कट जाए, सफर जल्दी कट जाता है अभ्यास। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि वेद कहता है कि वह पुरुष जो इस सृष्टि के रूप में तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो सर्वतो प्रत्वा, जो इस सबको व्याप्त करके अतियेति तत अतियेति दशांगुलम, इस सारी इंद्रियों को डाक करके जो तिष्ठति, जो वहां प्रतिष्ठित है, वह वही जो हुआ है वह था, वही जो है वह है, वही जो आगे होगा वह होगा, उसके सिवा और कुछ नहीं है, है वही पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यज्ञ भाव उतामृतत्व से सानु। लेकिन याद रखो वह उत अमृतत्व, उत अमृतत्व ईशान, वह ईशान माने सबका शासक, सबका ईश्वर, सबका नियंता, अमृत स्वरूप है। कहा तो इस सृष्टि में जो मृत दिखाई दे रहा हो क्या है, कहा ये भ्रांति है, मृत सत्य नहीं है, अमृत सत्य है। यही बात उपनिषद के उस मंत्र में बताई गई है, यहां पर ये बताया गया आनंदात खलिमान भूतान जायन्ते, आनंदात जातान जीवन्ति, ये आनंद से ही सारी सृष्टि हुई है और आनंद में ही सारी सृष्टि पल रही है। ऋषि कहता है कि ये सारी सृष्टि आनंद से है और आनंद से पल रही है। शिष्य पूछता है गुरुदेव हम तो दुनिया में आनंद तो देख नहीं रहे, चारों तरफ चीख पुकार रोना दुख विपत्ति के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ऋषि कहता है ये भ्रांति है, दुख भ्रांति है, आनंद सत्य है। लेकिन वैदिक विचारधारा के विपरीत विचारधारा रखने वालों की देखिए, वो कहते हैं दुख सत्य है, आनंद भ्रांति है। क्या समझे? वेद कहता है आनंद सत्य है, दुख भ्रांति है। बौद्ध कहते हैं कि नहीं, दुख सत्य है, आनंद भ्रांति है। आप लोगों ने सुना होगा बौद्ध धर्म के चार सिद्धांत हैं, उनको कहते हैं चार आर्य सत्य। आर्य सत्य माने श्रेष्ठ सत्य, और श्रेष्ठ सत्य माने जानते हो क्या होता है? दुख है, दुख का कारण है, उसको दूर किया जा सकता है, उसका उपाय। ये चार आर्य सत्य हैं बौद्धों के, और इन चार आर्य सत्यों को उन्होंने कहा कि ये परम सत्य है। परम सत्य माने कहा कि जब तक तुम्हारा जीवन रहेगा तब तक ये चारों आर्य सत्य रहेंगे। कहा ये चार आर्य सत्य से छुटकारा कब मिलेगा? कहा जब तुम मर जाओगे, जब तुम मर जाओगे। कहा कि शरीर बोले शरीर नहीं। आप एक आश्चर्य की बात बताऊं, बौद्ध धर्म में आत्मा नित्य नहीं है, जैसे अपने यहां कहते हैं देही नित्य मध्यो यम देहे सर्वस्य भारत, गीता तो कहती है कि देही नित्य है, आत्मा नित्य है, अविनाशी है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि नहीं, आत्मा नित्य नहीं है, आत्मा तो विनाशशील है, जब आत्मा मरेगी तब तुम्हें दुख से छुटकारा मिलेगा। जब तक आत्मा जीवित है तब तक तुम दुख से छूट नहीं सकते, क्योंकि दुख जो है शाश्वत सत्य है। बौद्ध विचारधारा दुख जो है ये शाश्वत सत्य है, और जब आत्मा की मृत्यु होगी तब तुम दुख से छूट जाओगे, क्योंकि भोगता ही नहीं रहेगा तो भोग कहां से आएगा। लेकिन वेद का सिद्धांत बिल्कुल इसके विपरीत है।
वेद कहता है कि याद रखो, जो वस्तु कारण में नहीं है वो कार्य में नहीं हो सकती। क्या समझे? सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या है? जो वस्तु कारण में नहीं है वो कार्य में नहीं आ सकती। परमात्मा ब्रह्म आनंद स्वरूप है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुदस्य न। आनंद में परमात्मा को जानने वाला कभी भयभीत नहीं होता। इससे क्या हुआ? जो परमात्मा इस सृष्टि का मूल आधार है, जो भूत और भविष्य से संबंधित वर्तमान में जो कुछ है, जिसकी अभिव्यक्ति है, वह परमात्मा अमृत रूप है, वह आनंद स्वरूप है। और जब वह आनंद स्वरूप है तो उसका कार्य मृत और दुख में कैसे हो सकता है? वेद का ही तर्क है कि जो वस्तु कारण में नहीं है वो कार्य में कैसे आ सकती है। इसलिए परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसी का विलास ये विश्व है, इसलिए विश्व आनंदमय है। आनंदा खरीमान भूतान जायंते, ये सृष्टि कैसे होती? बोले आनंदा, आनंद से। आनंदा जातान जीवंत, और ये पलते किससे? बोले आनंद में पलते हैं। आनंदम प्रयांति अविषम विषंति, और अंत में आनंद में ही जाकर के लय हो जाते हैं। इसलिए आनंदम ब्रह्म बिजाना, आनंद ही ब्रह्म है। ऐसा भृगु ने अनुसंधान करके देखा, आरुणी के पुत्र। ये वेद की जो घोषणा है कि आनंद से सृष्टि हुई है, वेद की घोषणा है कि अमृत से सृष्टि हुई है। अमृत से सृष्टि हो और वह मृत धर्मा हो, ऐसे कैसे हो सकता है? अब जरा सोचिए, अमृत से मृत पैदा हो सकता है क्या? क्या रहा है? अमृत कारण हो और मृत उससे कार्य उत्पन्न हो, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए वेद कहता है पुरुष ए वेद कुम सर्वम यद भूतम यम उदा मृतत्व से सानो यदन्य नातिरोहती। वह ईशान अमृता, बुद्ध कहते हैं ऊपर सबसे परे, जो सबका प्रेरक है, सबका स्रोत है, सबका कारण है, उता अमृतत्व से ईशान, वह परमात्मा सबका शासक, सबका कारण अमृत स्वरूप है। अमृत स्वरूप है बोले हा? कहा यदि कारण अमृत स्वरूप है तो कार्य कभी मृत रूप नहीं हो सकता। कहा लेकिन हम कार्य को मृत रूप में देखते हैं। एक प्रत्यक्ष सत्य है और दूसरा श्रुत सत्य है, तो हम श्रुत सत्य में विश्वास करें या प्रत्यक्ष सत्य में? प्रश्न होता है। वेद में ऐसे बहुत प्रश्न आते हैं। सही माने में कभी कभी ऐसा लगता है कि वेद के सिवा अन्य ग्रंथों को पढ़ना समय खराब करना है। कभी कभी ऐसा लगता है। वेद में इतनी युक्ति, इतना तर्क, इतने प्रश्न, इतने उत्तर इस ढंग से दिए गए हैं कि उनको चिंतन करके ही आनंद से हृदय भर जाता है। अब वेद के ऋषि ने एक प्रश्न कर लिया कि दृश्य जगत जो है मृत है, ये मृत जो है ये प्रत्यक्ष सत्य है, और अदृश्य जगत श्रुत है, श्रुत जो है वो अप्रत्यक्ष सत्य है, तो प्रत्यक्ष सत्य को हम स्वीकार करें या श्रुत सत्य को? श्रुत सत्य माने सुने हुए सत्य को। अमृत स्वरूप पुरुष है, वो हमारी दसों इंद्रियों से परे है, दस अंगुल परे है, इसलिए हमारी पहुंच से परे है वो, क्योंकि हमारा ज्ञान तो इंद्रियों तक सीमित है, और जिन इंद्रियों के द्वारा हम उसे पकड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो तो उससे परे है, तो वो तो कभी समझ में आने वाला नहीं। जब वो समझ में नहीं आएगा तो उस श्रुत सत्य को लेकर के हम क्या करेंगे? हमारे सामने तो प्रत्यक्ष सत्य है, प्रत्यक्ष सत्य मृत धर्म है, श्रुत सत्य अमृत धर्म है, तो हमारे लिए श्रुत सत्य को प्रमाण माने या प्रत्यक्ष सत्य को? प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है। इसके लिए हमारे दार्शनिकों ने एक मत होकर के, एक मत, चाहे वो गणादि हो, चाहे वो यानी गौतम हो, चाहे वह कपिल हो, चाहे पतंजलि हो, चाहे व्यास हो, चाहे जैमिनी हो, यानी छह दार्शनिकों ने एक मत होकर के कहा है कि प्रत्यक्ष सत्य जो है वो भ्रांत है। सबका एक मत है,
क्या समझे? वो कहते हैं जो प्रत्यक्ष सत्य है वो भ्रांतिपूर्ण है। कहा फिर परम प्रमाण क्या है? कहा परम प्रमाण श्रुत सत्य है, सुना हुआ सत्य। इसीलिए हमारे यहां प्रमाण के तीन भेद किए गए, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा, प्रमाणानि। प्रमाण कितने प्रकार के हैं? सांख्य कहता है तीन, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। कहा परम प्रमाण क्या है? कहा आगम प्रमाण। आगम प्रमाण ही परम प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण परम प्रमाण नहीं है। इसके विषय में मेरी एक युक्ति सुनिए आप, दार्शनिक कैसे इसका विश्लेषण करते हैं। कहा प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वह भ्रांतिपूर्ण है। कहा यह कैसे हो सकता है? कहा तुम लोग सवेरे उठते हो, उठते हैं, सूर्य उदय होते हुए देखते हो, देखते हैं, तुम्हारा प्रत्यक्ष सूर्य के प्रति क्या है? क्या है भाई तुम्हारा सूर्य के प्रति प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? एक बहुत बड़ा सा बॉल लाल सा उदय होता है, ये देखते हो ना, ये तुम्हारा प्रत्यक्ष है ना, तुम्हारे अपने प्रत्यक्ष पर विश्वास है। तो क्या सही में सूर्य लाल का गोला है? क्या रहा है? वैज्ञानिक देख रहे हैं अनुसंधान से, सूक्ष्म वीक्षण यंत्र के द्वारा, और देख रहे हैं और लिख रहे हैं कि 35-35 मील तो जान लो 35 मील ऊंची लपटे सूर्य से निकलती है। लपटे, ये सूर्य जो जलता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे 35-35 मील की लपटे निकलती है। आपको दिखाई देती है कोई लपट? जानते हो किसी का भी ज्वाला, अग्नि की ज्वाला? हाँ, और 35-35 मील ऊंची लपटे निकलती है इससे, लेकिन अपने को देखने में तो नहीं आता। अपन तो एक सुंदर सा गोला कहते हैं, और हमारे यहां देवी बताते हैं कि हनुमान जी ने सवेरे उठते देखा, कहा बहुत अच्छा फल है, वो छलांग मार के उसको मुंह में डाल ले गए। हनुमान जी ने जिसको बाल बच्चेपन में फल समझ करके लेने की कोशिश की अथवा ली लिया, अब वो कोई सामान्य तो नहीं। मेरे कहने का प्राय इतना ही प्रत्यक्ष नहीं, और भी मेरे तर्क सुनिए। हमारे हाथ में एक फूल है, ये प्रत्यक्ष है कि ये फूल है, और ये फूल किस कलर का है? अब इसका थोड़ा सा वैज्ञानिक विश्लेषण सुन लीजिए। फूल में जो लाल कलर दिखाई दे रहा है या गुलाबी, ये इस फूल का कलर नहीं है। किसी वैज्ञानिक से पूछिए, वो कहता है कि सूर्य के उनमें से ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ जो है, ये जिन रंगों को आत्मसात कर लेता है, जज्ब कर लेता है, खा जाता है, वो तो इसमें समा जाते हैं, लेकिन उनमें से इस पदार्थ में एक ऐसा यानी वैशिष्ट गुण है कि एक रंग को वो नहीं खा पाता, उसको वो उगल देता है। उगलना जानते हो? हाँ, उगल देता है। जिस रंग को उसने उगल दिया, वो रंग उसके बाहर से दिखाई दे रहा है। क्या समझे? जिस रंग को आत्मसात कर लिया, खा गया, वो तो उसके अंदर जज्ब हो गया। जिस रंग को उसने नहीं खाया, उगल दिया, वो रंग उसका बाहर दिखाई दे रहा। इसलिए जिस पदार्थ का जो रंग आप देख रहे हो, वो रंग उस पदार्थ का नहीं है। क्या समझे? वो तो उसका उगला हुआ रंग है, जिसको उसने बाहर फेंक दिया। एक बार, और कोई भी पदार्थ आप केवल दो रूपों में देखते हैं, एक आकृति और एक कलर की, और कोई तीसरी वस्तु है? क्या बताइए? आकृति, आकृति समझते ना, रूप, आकृति और कलर, इन दोनों से रूप बनता है। अच्छा, कलर तो आप समझ गए ना कि उस पदार्थ का नहीं है, कलर तो सूर्य की किरणों का है, पदार्थ का कलर है ही नहीं, तो आकृति क्या उस पदार्थ की है क्या? अब आकृति को देख लीजिए, आकृति का आधार क्या है? किसी वैज्ञानिक से पूछिए, वो आपको समझाएगा कि आकृति के कुछ नियम हैं, नियम हैं, और आकृति का आधार है रेखा। रेखा जानते हैं? लाइन, लाइन, और लाइन का आधार है पॉइंट। लाइन किसे बनता है? पॉइंट से। तो पॉइंट से लाइन है, लाइन से आकृति है, चाहे अष्टकोण हो, चतुष्कोण हो, त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का हो,
दुनिया में जितने यानी दृश्य बने हैं ये सब इसी प्रकार से बने, लाइन उसका मूल आधार है रेखा, और रेखा का मूल आधार क्या है पॉइंट। अच्छा कैन यू डिस्क्राइब व्हाट पॉइंट इज, कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो पॉइंट की व्याख्या करके हमें बता दे पॉइंट क्या है, क्या रहा? और क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो बतावे कि ये लाइन सीधी जा रही है, है कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति? क्या है लाइन कोई सीधी खींची जा सकती है क्या? रेखा को सीधी आप खींच सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, असंभव है, कठिन नहीं असंभव। और जिस पॉइंट से रेखा बनी, जिस रेखा से आकृति बनी, उस आकृति को आप देखकर कहते हो कि नहीं ये चौड़ी है, ये आपकी भ्रांति है या सत्य है? दृश्य जो जिस पर आपको बहुत विश्वास है, और की बात छोड़ो कि तो दूर की बात है तो और होगी, आपको अपने शरीर पर आप अपने में बात करते समय कहते हो क्या समझते हो, जब मैं 10 साल का था, जब मैं 5 साल का था तो ये घटना मैंने देखी थी। आप ईमानदारी से कहिए कि जब आप 10 साल के थे तब यही थे क्या? क्या आप लोग यही आकृति थी आपकी? ना जी राम को, वो मेरा चित्र वहां पड़ा हुआ है, अब उसको देखिए और उसको मिलाइए, क्या कोई कह सकता है कि यही बावरा वहां बैठा हुआ है? ना जी प्रश्न पैदा क्यों, कारण क्या? भाई आकृति बदलती रहती है, और आकृति कितनी देर में बदलती है, कितने देर में किसी वैज्ञानिक से प्रतिपल, प्रतिपल बदलती है आकृति। जैसे गंगा जी में बहते हुए पानी को, बहते हुए पानी को जब आप करते हो ये जल, तो जिसके लिए आपने अंगुली उठाया था वो जल तो बहुत आगे चला गया, और जिस पर आपकी अंगुली पहुंची वो जल दूसरा है। जो बात समझ रहे हैं? दीपक के जिस बत्ती के ऊपर आपने अंगुली उठाया वो बत्ती चली गई। तो प्रतिपल परिवर्तनशील इस जगत के दृश्य को जो आप अपना प्रत्यक्ष सत्य समझते हैं वो तो प्योर भ्रांति है, प्योर भ्रांति। और सबसे बड़ा धोखा वो खाता है जो अपने आंखों पर विश्वास करता है। लेकिन देखिए दृश्य जगत की कितनी विचित्र लीला है कि जो धोखे का मूल आधार है उसी पर लोग विश्वास करते हैं। अभी कोई बात हो आपने देखा, कुछ लोग मेरे पास भी आ जाते हैं पूछते हैं स्वामी जी क्या आपने परमात्मा को देखा? देखा है क्या होता है भाई, देखा है माने क्या? देखा है माने क्या? क्योंकि जो तुम देखते हो सत्य होता है क्या है? ना ना, इसलिए सबसे प्रमाणिक सत्य क्या है वो कहते हैं श्रुत सत्य। इसीलिए हमारे यहां वेद को परम प्रमाण मानते हैं। वेद को परम प्रमाण क्यों मानते हैं? प्रमाणम परमम श्रुति, ऐसा मनु ने घोषणा की कि परम प्रमाण जो है वो श्रुति है, श्रुति है, वह रिवील्ड नॉलेज है। श्रुति में और दृश्य में क्या अंतर होता है? श्रुति जो है वो रिवील्ड नॉलेज, रिवील्ड नॉलेज में अवतरित ज्ञान है, यानी जिस अवस्था में वेद का एक मंत्र है उसको समझिए। वेद कहता है यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, जहां पर ये तुम्हारी पांचों ज्ञान इंद्रियां मन के सहित ठहर जाती है, निरुक जाती है। बुद्धिश्च न विचेष्टति, और यहां तुम्हारी बुद्धि भी कोई हलचल नहीं करती, वो भी शांत हो जाती है। तमाहू परमांगति, उसको परम गति कहते हैं, जहां तुम्हारी पांचों ज्ञान इंद्रियां मन के साथ ठहर जाती हैं, जहां तुम्हारी बुद्धि भी निष्क्रिय हो जाती है, शांत हो जाती है, कोई चेष्टा नहीं करती। बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमांगति, उसको परम गति कहते हैं। और उस परम गति को जो प्राप्त हुआ योगी है, उस परम गति को प्राप्त हुआ जो योगी है, उस योगी में जिस सत्य का आविर्भाव होता है, अवतरण होता है,
उसी सत्य को श्रुति शब्द से संबोधित किया जाता है। उसी सत्य को श्रुति कहते हैं, इसलिए हमारे यहां वह शब्द प्रमाण, श्रुति प्रमाण, प्रमाणम परमम श्रुति, हर एक दृश्य से अनुमित से भी परम प्रमाण के रूप में श्रुति आती है और उसी को हम परम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। यहां पर यद्यपि दृश्य जगत को हम मृत देखते हैं, लेकिन मृत्यु का विश्लेषण यदि करना चाहें, मेरी एक पुस्तक है ब्रह्म विद्या विज्ञान, उसका द्वितीय भाग है जिसमें मैंने इसकी व्याख्या की, और वो व्याख्या किस मंत्र की है, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतम श्रुते, अविद्या के बोध से मनुष्य मृत्यु से पार हो जाता है। अविद्या के बोध से मृत्यु से कैसे पार जाया जाता है, मृत्यु की भ्रांति सदा के लिए समाप्त हो जाती है, ये मैंने उसमें विशेष रूप से कई पेजों में व्याख्या की है उसको। आप लोग पढ़ें ब्रह्म विद्या विज्ञान, आपको बहुत लाभ होगा उससे। तो ये मैं बता रहा था कि मृत्यु जो है वो अबोध में है, अज्ञान में है, भ्रांति में है, यथार्थ मृत्यु नहीं है। मृत्यु क्या? नाश। नाश क्या? क्या दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ है जो नाश हो सकता हो? किसी वैज्ञानिक से पूछिए। वैज्ञानिक कहता है कि जितना दृश्य है सब में एनर्जी ही काम कर रही है, और एनर्जी जो है अविनाशी है, अविनाशी एनर्जी का नाश कैसे होगा? यानी तुम यदि प्रकृति पुरुष की सत्ता मानो तो प्रकृति भी तो अविनाशी है, कि प्रकृति का विनाश होता है? प्रकृति तो परमात्मा की स्वभाव की शक्ति है। हाँ, ये बात जरूर है, ये जो दृश्य है, दृश्य का परिवर्तन हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं वो तो हो रहा है, वो तो प्रतिपल हो रहा है, वो कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन दृश्य मूल रूप में यथावत बना हुआ है, पदार्थ मूल रूप में यथावत बना हुआ है और उसकी आकृति परिवर्तित होती चली जा रही है। इस डिवाइन लीला को यदि तुम समझ लो तो तुम्हें यह बोध हो जाएगा कि यहां पर जो मृत प्रत्यक्ष सत्य मृत है ये भ्रांति है, और जो श्रुत सत्य अमृत है वो परम सत्य है, क्योंकि सम टोटल एनर्जी इज इम्पेरिशेबल इन एटर्नल एंड एब्सोल्यूट। और इसी प्रकार से सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज इम्पेरिशेबल इटर्नल एंड एब्सोल्यूट। दुनिया में परम चैतन्य सत्ता जो है उसका कभी नाश नहीं हुआ, और जो पर शक्ति है प्रकृति के रूप में उसका भी कभी नाश नहीं होता, क्योंकि परमात्मा की वह अचिंत शक्ति है, परास शक्ति श्रुवते स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाच। इसी आधार पर वैदिक विद्वान इस जगत की नित्यता को, इस जगत में अमृतत्व की प्रतिष्ठा करता है, और वो कहता है उत अमृतत्व से सानो यदन्येना तिरोहति, उत अमृतस्य ईशाना यद अन्येना अतिरोहति, का वह अमृत में ईशान, अमृत स्वरूप, अमृत धर्मा, ईशान माने सबका शासक परमेश्वर, सबका स्रोत, सबका कारण, वह पुरुष है, और वही यद अन्येना अतिरोहति। ये भी एक बड़ा ही रहस्यमय वाक्य है, इसका सरल अर्थ होता है जो अन्न के द्वारा विकसित होता है, रोहति माने विकास प्राप्त करता है, यद अन्येन अतिरोहत। इसके कई अर्थ किए हैं विद्वानों ने, एक तो जो अन्न के द्वारा विकसित होता है ये अर्थ किया है, और यद अन्येन अतिरोहति, जो अन्येन, अन्येन के दो अर्थ होते हैं, अन्न के द्वारा और अन्य के द्वारा, अन्न के द्वारा, अन्न अन्न खाने पीने की वस्तु, और अन्न के द्वारा दूसरे के द्वारा, यद अन्येन अतिरोहति, यद अन्येन, तो अन्येन का एक अर्थ होता है और अन्येन का एक अर्थ होता है, दोनों अर्थ इससे निकलते हैं। अब यथार्थ क्या है तो कल बताएंगे 10 बजे।
अब प्रार्थना कीजिए आप लोग। ओम भूर्भुवस्व सप्तर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप लोगों से एक बात मैं निवेदन कर दूं, जो विज्ञान को नहीं समझता वो दोनों की जानकारी आवश्यक है। और इतना गूढ़ रहस्यमय विषय है, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि इसको और सरल करके बताऊं, लेकिन मैं अब कहां से सरल करता चला जाऊं। वेद को कौन सरल करेगा? तो वेद को सरल करेंगे तो वो पुराण बन जाएगा। तो जानते हो वेद को सरल ही किया है पुराण में, और कुछ नहीं है। वेद को पौराणिक भाषा में सरल करके समझाया है, इसलिए इतिहास पुराणाभ्यास ऐसा हम उसी कहते हैं। वेद का ही उपनयन हुआ है, तो वेद को सरल कर देंगे तो पुराण बन जाएगा। और जहां पुराण बना था आप सोचेंगे ये तो पुराण आ गए तो वेद है ही नहीं, इसलिए है तो विषय कठिन। लेकिन अब यहां पर रख दिया है तो क्या करें, उसको बताएंगे बोलेंगे। तो आप लोग धीरे रंजन के साथ मनोनिग्रह, मनोरंजन से अभ्युदय होता है और मनोनिग्रह से निश्रेष की सिद्धि। तो मनुष्य के लिए दोनों की जरूरत है, अभ्युदय भी और निश्रेष की सिद्धि भी। तो आप मनोरंजन के साथ मनोनिग्रह करें, ये वेद का संदेश है।